सो गाइज हम अभी आधे से ज्यादा रास्ता हमने क्रॉस कर लिया है, तो फाइनली मैंने सोचा कि मैं इस बार आगे बैठ के भी थोड़ा आनंद ले लूं, पीछे बैठ के तो ऐसे ऐसे हो रहे थे। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग नवीन पहाड़ी ब्लॉग्स। तो भाई बात कुछ ऐसी है कि हमने नई गाड़ी जो ली थी इसके बाद भाई हाथ साफ करना बहुत जरूरी था, तो अभी भाई एक दिन ड्राइविंग मैंने सीखी है और अभी कुल मिला के बात ऐसी है कि गाड़ी के लिए हम तैयार हैं, गाड़ी के साथ में। और अभी हम कहाँ जा रहे हैं मोनी? हम जा रहे हैं गाँव और हमारे जो भैरव देवता वहाँ के दर्शन भी करेंगे। दोनों काम साथ में करके आएंगे। हाँ, और फैमिली को भी भाई गाड़ी दिखा के आएंगे, जो पापा गांव में हैं। और इस साइड है नोनू जो कि हमारी बहुत खुश है, आ, 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 और मम्मी है। और इस साइड भाई ये हमारे नेगी जी, क्या रहा नेगी जी? बढ़िया जी। और ये हमारे भाई से पायलट साहब है, इन्होंने हमें गाड़ी सिखाई। फिलहाल तो देखो यार लगे हुए हैं भी बेचारे, तो अभी भाई को साथ में लेके जा रहे हैं ताकि पहाड़ों में कोई दिक्कत ना हो। सही बात है, सेफ्टी इज इंपॉर्टेंट। और ड्राइविंग कौन करेगा? मैं ही करेगा ड्राइविंग। तो यहाँ पे देखो नोनू रो रही है कि अंदर आओ, उसे लग रहा है हम उसे छोड़ के जा रहे हैं। तो यहाँ पे चाबी रख रहे हैं, अपना सामान अंदर कुछ बहुत, हाँ ये सबसे जरूरी चीजें हमें चार्ज के लिए चाहिए ही चाहिए, क्यों? तो फाइनली हमारे पायलट साहब बैठ चुके हैं और ड्राइविंग आज यही करेंगे पूरा पहाड़ तक। चलो जी चले फिर। जय माता रानी, जय माता दी। ज्यादा रास्ते में हम रुक गए थे माउंटेन व्यू रेस्टोरेंट में खाने के लिए। हम मोस्टली यहीं पे रुकते हैं क्योंकि इनका खाना वगैरह काफी सही होता है और वहाँ पीछे का नजारा तो क्या ही बताऊँ, नदी बह रही है, बहुत सुंदर है। बाकी तो चलो आपको एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाती हूँ, यहाँ पर देखिए गाड़ी चला रही, गाड़ी। तो देखिए आज नोनू गाड़ी सीख रही है अपने पापा से ड्राइविंग करके, अब हमें घुमाने ले जाएगी। ये बहुत जिद कर रही है भाई, बहुत जिद कर रही है ना? कि मैं, मेरे को आगे बिठाओ। कल भी बहुत रो रही थी है गाड़ी चलाने के लिए। चलाओ चलाओ नोनू, इधर देखो चलाओ। तो भाई इसके पूरे मजे चल रहे हैं, चलो अब निकलते हैं आगे के सफर पर। तो गाइस पहाड़ का नजारा देखो क्या खूबसूरत लग रहा है, बड़ा मजा आ रहा है देखने में। और यहाँ का मौसम सच में बहुत ज्यादा अच्छा है, नीचे ऋषिकेश में तो बहुत गर्मी है लेकिन ऊपर काफी ठंडा है वेदर। और ये यहाँ पर देखो, और ये गाइस हमारे नेगी जी, हाँ ये हमारे पायलट साहब। तो अभी ये थोड़ा कैमरे के सामने शर्मा रहे हैं, हाँ कैमरा फ्रंट के लिए। अरे तो गाइस फाइनली जो है भाई, मैं कितने परसेंट गाड़ी सीखेंगे बताओ? 80% 80% सीख गया हूँ भाई, 20% अभी ना सीखना बाकी है, 20% सीखना बाकी है। और कुछ चीजें बताते रहेंगे मुझे पहाड़ों में क्या क्या दिक्कतें हो रही गाड़ी चलाने में मुझसे। अच्छा, गलतियाँ हो रही है, सारी गलतियां जानेंगे भाई, इसलिए हम भाई स्पेशल आए थे। रात तक सीख जाएंगे, 20% भी, 100% सीख जाएंगे। रात तक है? रात तक, आज शाम तक सीख जाएंगे। फिर तो एक ट्रिप मसूरी का मारूंगे, है ना? तो यार ये जो सामने वो देख रहे हो क्या कहते हैं पर्पल कलर के जो ट्रीज हैं, इतने सुंदर लग रहे थे। पर्पल नहीं ग्रीन है वो, नहीं पर्पल है वो। अब देखना कुछ लोग कमेंट करेंगे, बोलेंगे अच्छा ये आपको ग्रीन नजर आ रहे हैं, हो गई बेइज्जती जाओ तो। और गाइस सच बताऊं भाई साहब, हम फाइनली चंबा पहुंच चुके हैं और गाड़ी सारी मैंने ऋषिकेश से खुद ड्राइविंग करी भाई, मतलब सीख गए ऑलमोस्ट, अब चला लोगे तुम। सही बात है, तुम्हें अवार्ड मिल रहा ना। पानी पीने की शौक है, ठंडी हो गई, ठंडी अब ठंडा पानी है, गर्म नहीं बात है। यहाँ पे हमारे एक सब्सक्राइबर भी मिल गए हैं, वो कह रहे हैं हमारा चैनल देखते हैं, हाय कर दो एक बार। तो अभी हम यहाँ चंबा में पहुँच गए हैं और यहाँ पे आप देख सकते हो ये है चंबा की मार्केट। और अभी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्राउड हो रखा है बिकॉज अभी चारधाम की यात्रा खुल गई है, जिसकी वजह से बाहर के यात्री बहुत ज़्यादा आ रहे हैं यहाँ पे। तो अभी हम यहाँ से हम लोगों ने खरीद लिया है पूजा का सामान, ये देख सकते हो यहाँ पे श्रीफल वगैरह हमने खरीदा है, अभी मिठाई लेना बाकी है। तो फिलहाल तो हमें कपड़ा लेना था मंदिर में चढ़ाने के लिए, जो कि ये येल्लो रंग का है आप देख सकते हो ये। तो ये कपड़ा क्यों चढ़ाते हैं वैसे, पता है इसके बारे में कुछ? गाइस हमारे गांव में भैरव देवता का एक बहुत बड़ा टेंपल है, मंदिर है जो कि हमारे देवता है, और वहां पर चढ़ता है पीला वस्त्र। तो मम्मी ने कहा था कि भाई 2 मीटर का कपड़ा लेके आना है जो कि वहां पर चढ़ेगा, तो फाइनली हमने ले लिया है। अच्छा, अभी हम निकलते हैं भाई घर के लिए, चलो चलते हैं फिर। सो गाइस ऑलमोस्ट हमने सामान तो ले लिया है, बस यहाँ से हमें मिठाई लेनी थी, तो अभी हमने बेसन के लड्डू करवा लिए हैं पैक, तो चलते हैं फिर फटाफट से। क्यों
नोनो हमारी ना किसी करना सीख गए ना, एक बार कर दो पापा को, पापा को किसी कर दो, एक बार और कर दो। तो चलो अब फटाफट से निकलते हैं, लेट हो रहा है। सो गाइज हम अभी आधे से ज्यादा रास्ता हमने क्रॉस कर लिया है, तो फाइनली मैंने सोचा कि मैं इस बार आगे बैठ के भी थोड़ा आनंद ले लूं। पीछे बैठ के तो ऐसे ऐसे हो रहे थे, तो आगे बैठ के सच में काफी कंफर्टेबल लगता है, मजा भी आ रहा है आगे बैठने में। तो अभी देख सकते हो कि नवीन जी अच्छे से पूरा ड्राइविंग इन्होंने मतलब 80% कवर कर लिया है, बहुत इजीली अच्छे से सीख लिया सब कुछ। और ना रास्ते में मतलब कहीं पे भी ऐसा झटका वगैरह नहीं दिया है, ये चीज मुझे बहुत सही लगी। डर लग रहा था कल कि कैसे जाएंगे, कैसे ड्राइविंग होगी, लेकिन हाँ बहुत सही तरीके से ड्राइव कर रहे हैं। तो तुम्हें कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। और दोस्तों मैं एक बात बोलना चाहूंगा दिल से, आप सभी का ना बहुत बहुत शुक्रिया दिल से, बिकॉज आप सब लोगों ने हमें इतनी ज्यादा विशेष दी, अपना आशीर्वाद दिया, और आप लोग इतना सपोर्ट करते हो ना यार, सच में बहुत दिल से खुशी होती है। तो एक बार दोबारा से आप सभी का धन्यवाद, और दोस्तों ऐसे ही सपोर्ट करते रहा करो, बहुत अच्छा लगता है। और भगवान करे यार आप सबके सपने पूरे ऐसे होते रहे जिस तरीके से हमारे हो रहे हैं। सही बात। और आप कहां से ब्लॉग देख रहे हो वो भी आप कमेंट करके बताओ, क्योंकि हमें समझ में तो आना चाहिए ना कि कहां कहां से आप लोग ब्लॉग देख रहे हो, है ना। बाकी भाई अभी ड्राइविंग चली रही है, और देखो यार हर चीज ना सीखने से ही होता है। सही बात है। तो टाइम लगे कोई बात नहीं, धीरे धीरे ये बताओ। और गाइस मोनी कह रही है मैं तो सीखा नहीं, इसको सीखनी गाड़ी पहले ही। नहीं अभी ये सीख ले, उसके बाद फिर मैं भी सीख लूंगी। एक डेढ़ महीना बाद मैं एकदम हो जाऊंगा, तो उसके बाद मोनी को सिखाना स्टार्ट कर लूंगा। सही है ना? हाँ और क्या। सो गाइस अभी एक गड़बड़ हो गई है, अभी हमने कार पार कर ली है, बिकॉज अभी ना उन्होंने बहुत सारी भाई वोमिट करी है, उल्टी करी है, जिसकी वजह से ना सारे के सारे भाई कपड़े गीले कर दिए, और उन्होंने देखो भाई कपड़े भी चेंज कर लिए, सारे कपड़े बदलने पड़े, इतनी उल्टी उल्टी कर दी उसने। और देखो यार भाई बड़ा सपोर्ट करता हमारा यार, और आज ही बार आई खराब ही बार आई। मम्मी कह रही गाइस कि वैसे तो मुझे उल्टी आती है हमेशा ट्रैवल में, बट आज मेरे बदले की उल्टी नोनू ने कर ली। नोनू नोनू क्या हो बिट्टू, छाल निकाल दिया तुमने? चलो कोई बात नहीं गाइस, अभी फटाफट से मोनी जो है ये कपड़े को छाल रही है, और उसके बाद निकलते हैं भाई घर के लिए। सो गाइज हम लोग पहुंच गए हैं घर फाइनली, और यहाँ पर सामान निकालने की तैयारी हो रही है। यहाँ पे है अनुपा जो कि मेरी देवरानी है, अगर आपको नहीं पता है तो जान लो, वैसे तो बहुत लोगों को पता ही होगा। हाँ पहाड़ी एंड पहाड़न के नाम से इनका पेज है फेसबुक में। और इस साइड कौन है? और यहाँ है मम्मी और पापा है, तो बस ये लोग हमारा इंतजार कर रहे थे, और गाड़ी का भी। तो देखो नोनू चली गई अपने दादू के पास खुश, अभी उल्टी कर रखी थी, अब खुश है बिल्कुल। पापा कौन पर लगा नहीं हो? खुशी हो रही है यार। बढ़िया लगनो, बढ़िया लगनो। अच्छा तो फाइनली गाड़ी बोलता है, तो भाई फाइनली गाड़ी आ गई, तो पापा बहुत खुश हैं। और ये है नेकी जी, नेकी जी क्या लेवल? बढ़िया जी, मस्त। नेकी जी कैमरे से बच रहे बार बार हैं। कुछ कहना चाहोगे मोनी? हाँ बस सामान निकालते हैं। चलो गाइस अभी सामान निकालते हैं और फटाफट निकलते हैं भाई घर के लिए। सो फाइनली दोस्तों हम घर पे आ चुके थे, तो और भाई अभी हमने जो है लंच कर लिया है, और अभी समय हो चुका 3:30 शाम के, और अभी ना सब लोग जा रहे भाई मंदिर। और मंदिर देखो गाइस मैं आपको दिखाता हूँ, सबसे ऊपर देखो आप पहाड़ी जो दिख रही ना आपको सबसे ऊपर, वो देखो वहाँ पर है भाई भैरव देवता का मंदिर, और ये है कुछ नज़ारे हमारे घर के आसपास का, और नीचे प्यारी सी नदी, और वो जो सामने आपको पुल दिख रहा है ना, यहाँ से हम निकलेंगे और सामने पुल के थ्रू और सामने रोड के थ्रू जाएंगे मंदिर में। तो चलो गाइज अब फटाफट से मंदिर निकलते हैं। सो फाइनली गाइज हम पहुंच चुके अपने गांव, और भाई ये है पूरा का पूरा हमारा गांव भरपूर, और इस साइड देखो भाई गाड़ी कैसी जगह पे खड़ी करी हमारे नेगी जी ने, जो कि हमारे ड्राइवर साहब हैं। और अभी मम्मी पापा और अनुपा और मेरी वाइफ निकल चुकी भाई आगे, और अभी हम जा रहे हैं मंदिर, और अभी नोनू और मैं साथ में जा रहे हैं, और देख ही सकते हैं आप इतनी बुरी हालत हो रही है, बिकॉज चढ़ाई बहुत ज़्यादा है। नोनू क्या हुआ? नोनू तो मस्त है भाई, सारी मेहनत तो हमें को करनी पड़ रही, देखो। सो गाइस यार देखो आपकी हमारे दादाजी यहाँ खेती बाड़ी कर रही है, यकली कर लिया है। और इस साइड है भाई हमारा पुराना घर, जो कि बहुत सालों पहले का घर था हमारा, और एक घर इस साइड है, ये सामने देख पा रहे होंगे आप, ये हमारा बहुत पहले घर था, यानी कि तब शायद मैं रहा हूँगा 4-5 साल का, या फिर अरे मैं पैदा ही नहीं हुआ था उस टाइम पे, शायद दादाजी के टाइम पे था ये, पापा के टाइम पे। अच्छा। तब यहाँ सारा बेच के ना नीचे लिया था हमने, जहाँ पर अभी हम रहते हैं। मतलब वजह यह थी पानी की कमी थी ना, या शॉर्टेज, हाँ हाइट पे था, वहाँ पानी की कमी नहीं है, यहाँ ज्यादा सुकून है ना, लेकिन हाइट पहले मोनी यहाँ ना पैदल रास्ता था पूरा, अब तो गाड़ियां हो चुकी है ना, अब अच्छा लगता है। तो अभी आप देखो गाइस कि इतने सारे पेड़ पौधे, और भाई बड़ी ठंडी ठंडी हवाएं हैं, है मम्मी क्या बोले? अच्छा एक ही वे? अच्छा गाइस मम्मी कह रही कि मेरा मम्मी की शादी यहीं हुई थी, एक घर ये था हमारा,
जो कि बेच दिया था, और एक सामने जो आप देख पा रहे होंगे वो वाला घर, और भाई बड़ा अच्छा लग रहा है देख के। तुम्हें कैसा लग रहा है? बढ़िया, यहाँ रहता कौन है? अब तो बेच दिया, पता नहीं कौन रहता। कौन रहता मम्मी वहाँ? अच्छा वो दादी जी है ना। अच्छा। हाँ तो उनके पास है फिलहाल। तो चलो यार, अभी फिलहाल मंदिर आ चुका है और सामने आप देख सकते हैं भैरव देवता का मंदिर है और बड़ा अच्छा लग रहा है। हमारे नोनू पहली बार आ रही है ना मंदिर में, है ना? यहाँ पे एक चीज देखी, जैसे वहाँ पे ना खाली खाली है, यहाँ पे सारे मकान है आसपास। हाँ सारे लोग है ना। हाँ यहाँ पे काफी सारे लोग हैं और काफी सारे घर भी है। हाँ लोग एक साथ रह रहे हैं। हाँ वही ना। और ये पूरा का पूरा गाँव है भाई हमारा, यहाँ का नाम है भरपूर। और जो सबसे नीचे आप देख रहे हैं ना वो देखो, ये है भाई सियालगी, और उसके सामने जो है वो है हमारा जो आपको दिख रही दुकान सी, उसके नीचे हमारा घर है भाई। अच्छा एक बात बताओ, इसका नाम भरपूर इसलिए क्योंकि ये भरा हुआ है पूरा गांव? हाँ पहले बोलते हैं यहाँ किसी की कमी नहीं थी पहले ना। अच्छा नहीं, बहुत पहले यहाँ पे लोग बहुत सारे हैं तो इसलिए भरपूर हो गया। भरपूर नाम एक अच्छा नाम है, परिपूर्ण परिपूर्ण। हाँ हाँ। सो गाइस ये देखो कितना प्यारा व्यू लग रहा है, और आप बताओ कमेंट करके कि आपको कैसा लग रहा है। तो चलो यार फटाफट से मंदिर तक पहुंचते हैं। और गाइस थोड़ा आगे आते ही देखो आप कि यहाँ देखो इतना प्यारा घर है और गायें भी है, और इस साइड आप देखो इतनी प्यारी हवा आ रही है ना यहाँ से। हाँ बढ़िया लग रहा है। बस गाइस वही है ना कि भाई पहाड़ में फैसिलिटीज की कमी होने की वजह से ना, अच्छा इलाज ना होने की वजह से, अच्छे स्कूल ना होने की वजह से मजबूरी में लोग पलायन करते हैं। कैसा लग रहा है भाई? बहुत बढ़िया, मस्त लग रहा है, कोई सुकून है ना भाई। एसी की जरूरत नहीं होनी यहाँ, कितना गर्म है। अब एसी लगा लो, गर्मियों में गांव आ जाओ। अच्छा बहुत फायदे में रहोगे। और अभी देखो भाई नोनू अपनी चाची के साथ खेल रही है, और चलो भाई मम्मी भी मार रही है मेरे को में। अरे तन कर दिया। तो फाइनली दोस्तों हम पहुंच चुके हैं भाई मंदिर के पास, और हमारी मंजिल आ चुकी है। और अभी जो है मोनी, कैसा लग रहा है मोनी? बहुत अच्छा लग रहा है। जब नोनू पहले पेट में थी, छठा महीना था, उस टाइम पे यहाँ पे उद्घाटन हुआ था, तब मैं आई थी, और आज दूसरी बार आ रही हूँ। हाँ और नोनू पहली बार दर्शन कर रही है, और ये नया गेट बना हुआ है फिलहाल, एंट्री गेट है। और ये पानी के लिए बड़ा अच्छा लगा रखा है, ये लगा है आरू यहाँ पे पानी के लिए ठंडा करने के लिए। की एक खासियत मुझे अच्छी लगती है कि पानी यहाँ पे एकदम ठंडा, मतलब आपको फ्रिज की सच में जरूरत नहीं है, और शुद्ध पानी है ना, शुद्ध एकदम, मतलब मीठा पानी है, बढ़िया। और अभी भाई सामने देखो सनसेट, क्या सनसेट क्या बोलते हैं, सनसेट होने वाला जस्ट। और ये है मंदिर, जय भैरवनाथ सिद्धपीठ बाबा भैरवनाथ मंदिर भरपूर। और अभी बाबा परिक्रमा कर रहे हैं मंदिर की। तो चलो यार फटाफट से हम भी जो है अभी मत्था टेकते हैं। ये देख सकते हैं आप फ्रंट से कितना प्यारा लग रहा है। और गाइज आप कमेंट करके जय भैरवनाथ जो है जरूर लिखना, भैरवनाथ आपकी सारी मनोकामना पूरी करे। और इस साइड आप देखेंगे कि भाई ये है हमारे जो कली कुंवर यानी कि हमारे पूर्वज हैं, इनकी एक तस्वीर यहाँ पर लगाई गई है, नोनू गैरी जी है। और ये देख सकते हैं आप, मतलब पाव ये मतलब क्या, जगबेटन पर कलुड़ा की उत्पत्ति वे, तो इसका मतलब ये गाइस जो हमारा सरनेम है ना कलुड़ा, तो भाई वो हमारे सबसे पहले पूर्वज थे जिनकी फोटो लगाई गई है। और अभी पंडित जी आ चुके हैं, और जय हो भैरवनाथ। और ये है मूर्ति प्यारी सी। अभी दोस्तों हमने दर्शन तो कर लिया है भैरवनाथ जी के, और अभी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से अपना घर एक्चुअल में। और नीचे है भाई सियालगी हमारा गांव, और उसके सामने आप देख पा रहे हो ना वो नीला नीला, वो है भाई रोड के नीचे हमारा घर, जहाँ का ले हम लोग बोलते हैं एकरी नाम है हमारे घर का। और देखो भाई कितने सारे गाँव है भाई आसपास में। तो चलो गाइस अभी हम वापस निकलते हैं भाई घर के लिए, और अभी हमें सबसे पहले छोड़ना है मम्मी पापा को नीचे, और उसके बाद हम निकलेंगे ऋषिकेश के लिए वापस। सो फाइनली दोस्तों हम घर के पास पहुंच चुके हैं, और अभी भाई मम्मी पापा को छोड़ दिया यहाँ पे और घर जा रहे हैं। मम्मी पापा और अनुपा और भैजी मिल चुके हैं हमें। नमस्कार भैजी, हाथ हिलाओ ले जरा। क्या बात, धन्यवाद धन्यवाद, क्या बात, तुम ब्लॉग में ही बोले। तो भाई चलो फटाफट हम निकलते हैं ऋषिकेश के लिए। मोनी और नोनू बैठ चुकी है, और ये नेगी जी चले, चलो सर